प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन स्कैंडल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें पार्लियामेंट का किरदार नजर नहीं आ रहा। और उसमें हमने जो जो स्कैंडल्स का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर खुद एक्शन ले रही है, उसमें हमने रॉयल पाम का भी जिक्र किया। और जब हमने रॉयल पाम का जिक्र किया तो हमने बताया कि उसमें जो शुरू में जो स्टोरी ब्रेक हुई थी 2001 में, राउफ क्लासरा साहब ने की थी, और उसमें कहा गया था कि इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है रमजान शेख साहब, जो सदर हैं रॉयल पाम क्लब के, लाहौर से वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। वो अपना मौकफ देना चाहते हैं इस पर। जी रमजान साहब, खुश आमदेद, बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं। जी अफसार साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये चूंकि इसका मामला रेलवे की एराजी का सब्जिडिस है सुप्रीम कोर्ट में, तो इंतहाई माजरत के साथ मैं केस के मेरिट्स के ऊपर तो कोई डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि कोर्ट ने जनाब रऊफ कलासरा साहब को बुलाया था 13 तारीख को। इन्होंने वहां जाके जो स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल झूठ साबित हुई है। उसमें ऑडिट के ऑफिस से ये बताया गया है कि 2001-2002 में इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं थी, कोई ऐसी इरेगुलरिटी का जिक्र जो है वो नहीं किया गया, और मुकम्मल झूठ बोला है रऊफ कलासरा साहब ने कोर्ट के आगे जाके। और आप देखेंगे कि अगली हेयरिंग के अंदर, पेशी के अंदर ये बात सामने आ जाएगी। लेकिन खाकवानी साहब लेके गए हैं पिटीशन, तो रऊफ कलासरा साहब, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि खाकवानी साहब और रऊफ कलासरा साहब जो है, ये रोही चैनल के ऊपर एंकर को एंकर पर्सन है। इन्होंने अखबार में खबर छापी, जिसको जाके साहब खाकवानी साहब ने कोर्ट में, कोर्ट को दिखाया कि जी खबर रऊफ कलासरा ने छापी है। उसके ऊपर कोर्ट ने रऊफ कलासरा को बुलाया और उन्होंने सरासर झूठ बोला कि एचयू बेग साहब की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, और उसके बाद जो मलिक अलायार की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, उसमें एक केस जो है वो उठाया गया था, सरासर गलत है। ना वहाँ कोई रेगुलरिटी का केस उठाया गया था और ना ही वहाँ पे कोई ऑडिट पैरा बना था। हमारे साथ रहेगा, जवाब देना, हमारे साथ रहेगा शेख साहब, रऊफ क्लासरा साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। शेख साहब के पास ना बदकिस्मती से इस मुल्क की बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, और जब इंसान के पास पैसा आ जाए ना, फिर वो इस तरह की गुफ्तगू करता है जैसे शेख साहब कह रहे हैं। एक मिनट उस पर मैं ऐसे करते हैं, इनको कल बुला लें जो बड़े इतने एतमाद से बात कर रहे थे। मैं एडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट ला रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है 2006, 2007, 2003, 2004, और जिसमें 10 अरब रुपए का करप्शन का इल्जाम शेख साहब पे लगाए और इनके सामने सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो बात कहते हैं इरेगुलरिटी, जनाब परवेज मुशरफ साहब के दौर में जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो ऑडिट पैरे बने थे, हाँ उनकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके, शायद शेख साहब इस चीज का आके अंदाजा नहीं है। और शेख साहब ये भी बताते जाएं कि हम, मुझे आराम करने के लिए, मुझे कल्टीवेट करने के लिए इन्होंने क्या क्या तरले किए हुए हैं। मसलन आप इनसे पूछ लें ना, इनसे पूछे कितने कितने मेरे, नहीं इनसे पूछे अगर मैं झूठा हूं, एक बार सुन ले शेख साहब, सुन ले शेख साहब आपको अभी बाद में, अगर मैं झूठा हूं तो इनसे पूछे कितने इन्होंने मुझे आके यहां सिफारिशें कराने की कोशिश की है। और जो बंदा इनके हाथों अगर राम ना हो, इनके हाथों ना बिके, वो झूठा भी हो जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बैठे हुए हैं, अगर मैं झूठा हूं तो मेरे ऊपर जाके कजफ का मुकदमा तैयार कर दें। और मैं कल ऑडिट रिपोर्ट लेके आता हूं, इन शेख साहब को कहें कि ये यहां के आके तशरीफ लें, आपके प्रोग्राम में बैठ के सारी चीजें सामने कर देते हैं, और मेरा सारा झूठ है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और कोई करप्शन नहीं हुई। और यहाँ पे पार्लियामेंट की कमेटी 20 कमेटी ने इतनी बड़ी रिपोर्ट दी है, इन्होंने पढ़ी हुई है, पार्लियामेंट में सबमिट हुई है, और जिसमें इतनी खौफनाक किस्म की रिकमेंडेशन है। शेख साहब के बकौल हमारे खिलाफ तो कुछ हुआ नहीं है, झूठ बोला सारा। शेख साहब एक मिनट, यासमीन साहब से एक स्पीकर सिर्फ सुन लूं, फिर आपकी तरफ आ रहा हूं। जी इसमें एक सब कमेटी बनी थी पीएसी की नदीम अफसल चांद साहब की सरबराई में, और उनकी रिपोर्ट तो काफी डिटेल है, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको ये बताऊंगी। उसमें एक तो लीज पीरियड को एक्सटेंशन बहुत ज्यादा दी गई थी, अच्छा। जो कि एक्चुअल जहां फिगर था उसको बढ़ा के बहुत ज्यादा किया गया था, दैट वाज इलीगल। और उसके बाद जितना एरिया था जो कि लीज किया गया था, उस एरिया को भी बढ़ा दिया गया था बाद में आफ्टर थॉट किसी वजह से। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इरेगुलरिटी। और इस पे शेख साहब पीएसी की मेंबर है यासमीन रहमान साहबा, मेंबर कौमी असेंबली है, मशीर वजीर आजम है, और रऊफ क्लासरा साहब हैं, दोनों वो दोनों भी अपना मौकफ दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जी इंतहाई एहतराम के साथ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो देखिए ना, 2 साल लगाए हैं इस पार्लियामानी कमेटी जिसका जिक्र हो रहा है, ठीक है, आज कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी को देखा जा रहा है, 3 हफ्ते के बाद उसकी हियरिंग है, तो इतनी क्या मिर्चें लग गई हैं रऊफ कलासरा साहब को
कि ये फौरी तौर पे इनको इतनी उलझन हो रही है। सर कोर्ट ने मुझे बुलाया था, आई डिडंट गो टू द कोर्ट, नंबर एक हुई है, चीफ जस्टिस साहब ने मुझे बुलवाया था कि रऊफ को बुलाया जाए, मैं कोई पिटीशन लेके नहीं गया इनकी क्वेश्चन के। ठीक है, देखिए शेख साहब, एक तो मेरा ख्याल है शेख साहब के पर्सनल नहीं होना चाहिए ये बात, आपको मैं क्योंकि मैंने इनकी सिफारिश नहीं मानी, मैं इनके हाथों बिका नहीं हूँ, मुझे मर्जी लग रही है। शेख साहब मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म है, इन्हें कहें कल आज मैं आर्टिकल रिपोर्ट ले आता हूं, आज आप तशरीफ ले आए इस्लामाबाद या हम आपको वहां पे गुजारिश ही है, और वो आर्टिकल रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई है और एडिटर जनरल पाकिस्तान ने सबमिट की उनकी एक बात सिर्फ शेख साहब मैंने अर्ज की कि ये मामला चूंकि सब जुडिस है, 3 हफ्ते के बाद ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है फिर, लेकिन आपको फिर ये उससे पहले तो ये नहीं कहना चाहिए ना कि ये बात गलत है, अगर सब जुडिस है तो इसलिए कह रहा हूँ जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने आपके प्रोग्राम में बैठ के जो मुझे किसी ने टेलीफोन पे बताया कि जो सुन लेते हैं, आपने गलत सुनी है गुफ्तगु, अब सुन लेते हैं। 2000 मैं अभी भी इनको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि जो इन्होंने बड़े वसोक के साथ वहाँ कहा था कि एचयू बेग साहब की पब्लिक अकाउंट्स के। ठीक है, ठीक है, आपका मौकफ आ गया शेख साहब, बहुत शुक्रिया, और अगर मजीद इस पर बात करनी तो हम इस पर कर लेंगे। मैं आपसे आखिरी छोटी सी बात जी, ये कह रहे ना कि वहाँ पे उनकी कमेटी के सामने इशू नहीं है, एचयू बेग साहब आपको पिटीशन की जो यहाँ पे फाइल हुई है और जनरल सईदुल जफर साहब ने जो उसके जवाब में अपना दावा दिया उसकी कापी है मेरे पास, और सईदुल जफर साहब ने उस कमेटी का हवाला दिया है कि उस कमेटी में मुझसे पूछे गए थे और वहां पर डिस्कशन हुई थी और आगे एलिगेशन लगे थे, हमने डॉक्यूमेंट दिए थे, ये जनरल सईदुल जफर ने खुद लिखा हुआ है अपनी, उन्होंने जवाब दावा दिया है और रिपोर्ट क्यों है मेरे पास, अखबार की कटिंग है जो हमने 2001 में न्यूज में इस पे स्टोरी पे आके पूरी रिपोर्ट है, आप इनको बुलवा लें इनके सामने बैठ। मैं आखिरी एक सेंटेंस में बताइएगा, जो डेडलॉक आया हुआ कमेटी में जिसका जिक्र खुर्रम दस्तगीर साहब ने किया है, वो बताएं ये वाकई ठीक है कि जो फॉरेन अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर नहीं करना चाहती? नहीं, मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात है। देखिए जब कोई भी लॉ बनता है तो उसकी डिस्कशन जो होती है बहुत तवील होती है, कोई बिल मूव होता है चाहे वो गवर्नमेंट साइड से हो चाहे वो प्राइवेट मेंबर के हो, तो स्टैंडिंग कमेटी स्टेक्स आपका मौकफ आ गया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा यास्मीन रहमान साहिबा, शुक्रिया रऊफ क्लासरा साहिबा, और शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, और शुक्रिया रमजान शेख साहब जो सदर रॉयल पाम क्लब के, उन्होंने हमारे साथ लाहौर से अपना मौकफ बयान किया। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, वक्त बहुत कम है हमारे साथ, इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज़ और शब बख़ैर।